दो माँ, टाइम हो रहा है, जल्दी दो ना, दो ना माँ जल्दी, दो ना माँ जल्दी दो, दो दो ना माँ। ए रुको 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 रुको, जय माँ। आज तो बहुत ज्यादा दे रही है। क्या बात? बहुत ज्यादा दे रही है, फूल कर दिया। हेलो भाई, मैं मिनिस्टर रामचंद्र बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। जरा शिवराज जी को फोन दीजिए। हाँ अभी देता हूँ। क्या रे? ये लो, मंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। क्या बात है? मंत्री, मुझे एमएलए सीट चाहिए। शिवराज, इस बार तुम्हें एमएलए की सीट नहीं मिलेगी। ए मंत्री, क्यों भूल गए? और तुम्हें जिताने के लिए बोगस वोट डालना, कत्ल करना, दिन रात मैं तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ, और तू मुझे एमएलए सीट नहीं देगा? अरे मैं क्या करूँ भाई, राजा राम तुमसे सीनियर हैं। इस बार वो सीट मांगने की जिद कर रहे हैं। तुम खुद जाके राजा राम से बात करके देखो। क्या मैं राजा राम से जाकर बात करेगा? ए बेवकूफ, मेरे सामने ऊपर वाला भी खड़ा नहीं हो सकता। मैं कौन हूँ तुझे पता है? मुर्दा गाय का बछड़ा रखकर गाय को बेवकूफ बनाकर दूध निकालने वाला हूँ मैं। ए, मुझे पता है मेले का सीट कैसे लेना है। ए, तू, फरक। ए, हाँ साहब जी। उस राजा राम से मिलने का अरेंजमेंट करो। ठीक है साहब जी। इंस्पेक्टर, क्या है सर? राजा राम ने खुदकुशी किया है, रिपोर्ट तैयार करो। हाँ। किस सेक्शन में डालना है? सेक्शन गधा कहीं का, तुम सेक्शन के बारे में नहीं जानते हो? वकील से पूछो। ए, कार स्टार्ट करो। सर रुको, मैं पूछ, राजा राम जी से मिलना है। ए जाइए। नेताजी, मैं इस पार्टी में सीनियर हूँ। वो शिवराज मेरे आने के बाद पार्टी में आया है, और उसको एमएलए का सीट मत दो। उसके पास 1000 लोग हैं तो मेरे पास 2000 लोग हैं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नमस्ते राजाराम सर। क्यों सर, कोई नमस्ते करे तो नमस्ते करना चाहिए। ये बात आपको किसी ने सिखाया नहीं क्या? कोई बात नहीं, मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। राजा राम, अभी तक मैं किसी के पास नहीं गया हूँ। मैं सीधा तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि हम दोनों की एक ही पार्टी है और हमारे बीच अनर्थ नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम वो एमएलए का सीट मुझे दे दो। शिवलिंगम, ये नहीं हो सकता। पहले तुम यहाँ से जाओ, जाओ। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने पूछा था और तुम मना कर रहे हो। राजा राम, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, और मैं तो तुम्हारे घर आया हूँ। कम से कम चाय कॉफी भी पूछा नहीं, सीधा जाओ कहते हो। बैड है भी। एक चाय मंगाओ, विदाउट शुगर। वाह, सुपर टी। थैंक्स राजा राम, आफ्टर ऑल एक एमएलए सीट मांगा था, लेकिन तुम तो अपनी जान दे दिए। गॉड ब्लेस यू।
मिस भवानी, स्पेशल डिफिटेशन से आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु जा रही हो, ये दिल्ली कॉरिडोर है, तिरुनवेली डिस्ट्रिक्ट में जाकर ड्यूटी ज्वाइन करो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ए शीतल, हाँ? बहुत देर हो गई है, घर वाले बहुत परेशान होंगे, जल्दी चलाओ ना। घबराओ मत, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, क्यों डर रही हो इतना? अरे क्या हुआ? क्या हुआ पता नहीं। मीरा स्कूटर से उतरो। वन सेकेंड। बाप रे, पेट्रोल खत्म हो गया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना जल्दी निकलने के लिए, इतने रात के वक्त इस जंगल में पेट्रोल कैसे मिलेगा? तुम क्यों टेंशन ले रही हो, मैं हूं ना। वन मिनट। हाँ वन मिनट। पिकअप। ओह शिट, क्या हुआ? तुम यहीं पर रुको, मैं अभी जाकर पेट्रोल लेकर आती हूँ। एक मिनट तुम यहीं रहना, मैं जल्दी से आ जाऊंगी, ठीक है? तू जल्दी आ जाना। जल्दी आऊंगी। इन सारी लड़कियों को सुरक्षित मुंबई पहुंचा दो। पहुंचने के बाद फोन करने के लिए कहो और पैसा साहब को पहुंचा दो। अगर पैसा नहीं पहुंचा दो फिर समझ लो बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसमें अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर तुम सारे लोगों का नाम दुनिया से मिटा दिया जाएगा। Hey!
दादी को लेकर घर जाइए। मैं इंस्पेक्टर को बुलाकर इस केस को दूसरे एंगल में डालता हूँ। दूसरा एंगल मतलब? एक्सीडेंट केस बनाकर खत्म कर देंगे मैडम। पुलिस ऑफिसर होकर ऐसी बातें करते हो? मैडम ये आपके लिए नया है और हमें ये सब आदत हो गई है। इसके माँ बाप खुद बोलेंगे, हम इस लड़के के माँ बाप तो नहीं है ना, और कोर्ट में कुछ नहीं होगा। आज तक कैसा चला मैं नहीं जानती, आगे से इस तरह नहीं होना चाहिए। ये लड़की कौन है, इसको क्यों मारा गया, वो लोग कौन है, कंप्लीट डिटेल्स मुझे कल सुबह तक चाहिए। ठीक है मैडम, पोस्टमार्टम अरेंज कीजिए। ओके मैडम। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करो, जाने दो यहाँ से, जाने दो मुझे, पास मत आना मेरे, जाने दो मुझे। अरे थोड़ा और डालना है क्या? क्या हुआ साथी, आप बहुत जल्दी आ गए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, नो कॉपरेशन, दो थप्पड़ मारा अपने आप खत्म हो गई, फिनिश, ऊपर चली गई। ए, हाँ सर। इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए, समझा? क्लियर करो, सबूत मिटा दो। सर आप कौन हो, क्या काम है? भवानी है। हाँ है, आप कौन हो? मैं भवानी का पिता हूँ। नमस्ते सर, जाइए सर। हाँ। जाइए ना सर। श्रवण जीप स्टार्ट करो। पापा आप यहाँ पर अचानक? बस तुमसे मिलने अंदर आइए ना। कोई बात नहीं चलेगा। घर में मौसी और दीपा कैसी हैं? सब लोग अच्छे हैं। तुम कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ पापा। मुझे तुम्हें इस वर्दी में देखने की बहुत इच्छा थी इसलिए। आ गए रिश्ते जोड़ने के लिए? आ गए, देखो तो खुद की बेटी जिंदा है या मर गई अभी तक देखने के लिए नहीं आए। तुम क्या अभी बाप बेटी का प्यार जताने के लिए आए हो?
अभी वो कुछ नहीं बोलेगी। दादी चुप हो जाइए। मैं इस आदमी के सामने चुप नहीं रहूंगी। एक लड़की की बीच सड़क पर इज्जत उतर रही थी, उस समय ये आदमी मुंह भी नहीं खोला और उसको कुछ नहीं बोला। उस समय उसका सामना करने की हिम्मत नहीं हुई, अभी कैसे आ गई हिम्मत? खुद की बेटी ये भी नहीं सोचा? दादी तुम अंदर जाओ, मैं कह रही हूँ अंदर जाओ। अभी आ गए रिश्ता जोड़ने के लिए। सॉरी पापा। अभी बेटी बड़ी पुलिस ऑफिसर है। बोलने दो बेटा, मुझसे ही गलती हो गई है। वो सब छोड़िए, अंदर चलिए ना, कॉफी पीते हैं। कोई बात नहीं, कोर्ट जाने का वक्त हो गया है, बाद में आऊंगा। ए, इसको तुमने क्यों मारा? ए, 2 रुपए का न्यूज़पेपर को 3 रुपए में बेच रहा। अरे पेपर का भाव बढ़ गया तो उसे इसका क्या संबंध है? आदमी अच्छा है बुरा, उसे जाने बगैर ये एमएलए मिनिस्टर बना दिया। ये सब लोग मिलकर लूट रहे हैं। अरे इससे उसका क्या संबंध है? ये लोग मंदिर स्कूल नहीं देखते हैं, बेचारे आम लोगों को मारते हैं। काम पर गए पति घर वापस कब आएंगे? स्कूल गया हुआ बच्चा घर कब लौटेगा? इसके इंतजार में तड़पती है ये औरतें। जात के नाम पर 20 सड़क पर लोगों को मारते हैं, लड़कियां रोड पर नहीं चल सकती हैं। ऐसे लोगों की वजह से मारने का क्या संबंध है? बाप रे, छे, ए, संबंध है। ये क्या सवाल पूछ रहा है बता? इधर ये क्या पूछ रहा है बता? मुझे क्या मालूम? इधर सर, सर छोड़ दे। क्रिकेट स्कोर पूछता है, देश की समस्याओं को छोड़ करके क्रिकेट स्कोर पूछता है। बोल, चलो भागो यहां से। क्या समस्या है ये पता नहीं है? ये लोग भी सपोर्ट करते हैं। इसके आगे भी इस चाय की दुकान में भीड़ को देखें तो जरा साइड हो जा। लगता है नशे में, हॉर्न बजाओ। हॉर्न बजाऊंगा तो भी नहीं हटेगा। ये कोई भी गाड़ी को रास्ता देगा लेकिन पुलिस की गाड़ी को रास्ता नहीं देगा और बीच में खड़ा हो जाएगा। भवानी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, अभी ज्वाइन की हो, इंसाफ और कानून की रक्षा करूंगी ये कहकर अपनी जिंदगी खराब मत करो। हेलो मैडम, आपको तुरंत ट्रांसफर करवा देंगे क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग है। मैं चलता हूँ मैडम। और खाओ ना। बस हो गया। मारने लग रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छा है। कितना खाऊंगी? बहुत अच्छा है। ये अंदर, ये बाहर। ये अंदर, एक ये बाहर। एक बार और, एक बार और। ये अंदर, बोलो ना। मैं जी। Stop it! ये पुलिस स्टेशन है या कोई क्लब? पुलिस स्टेशन में डिसिप्लिन जरूरी है। ऐसी हरकत करोगे तो हमें इज्जत कौन देगा? ये बताइए, यहाँ का इंस्पेक्टर कहाँ है? बताइए। मैं पूछ रही हूँ, इंस्पेक्टर कहाँ है? एसआई कहाँ है? मैं जानता हूँ मैडम, दिवाली और दशहरा आ रहा है ना, रोड पे दुकान डालने के लिए रत्ना थिएटर के पास मांडवाली कर रहा होगा मैडम। अभी तक आप यहाँ कैसे ड्यूटी करते रहे मुझे पता नहीं, लेकिन आइंदा से गलती नहीं होनी चाहिए। रिश्वत लेना, शराब बेचने वालों से हफ्ता वसूल करना, मांडोली करना मुझे पसंद नहीं। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे अभी आप लोगों से इन बातों का एश्योरेंस चाहिए। ओके, डिस्पोज। पापा, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। ये दीपा, इसे क्या हो गया पापा? हे दीपा। दीदी मैं आपसे बात नहीं करने वाली। क्यों दीपा? ये क्या बात हुई दीदी, जब आप बाहर रहती थी तब भी अकेली थी और अपने शहर में आकर भी अकेले ही रह रही हो आप। अगर कोई गलती हो गई है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। दीदी घर चलिए, पापा को बहुत खुशी होगी। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। ठीक है, तुम जाओ पूजा करके आओ, मैं दीदी से बात करके आता हूँ। ठीक है पापा। दिखाई नहीं देता क्या? देखकर नहीं चल सकते? अंधा हो गया है क्या? पागल कहीं का। ये कौन है रे जो पटाके जैसी बोल रही है? बॉस वो एसीपी भवानी की बहन है और इससे पंगा मत लो। और अपने ही कॉलेज में इसे सीट मिली है। हमारे कॉलेज में? आप इस तरह से खामोश क्यों है पापा? नहीं, अगर तुम्हें ट्रांसफर चाहिए तो तुम्हें जरूर मिलेगा। क्यों पापा? जब तुम मेरे पास नहीं थी मुझे बहुत चिंता होती थी, लेकिन तुम्हें
यहाँ पर नहीं आना चाहिए था बेटी। ये अच्छा नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। पापा, ये काम मैंने अपनी मर्जी से चुना है। लाइफ में चैलेंज लेना जरूरी है। मुझे कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी, ओके? एक बाप होकर भी मैंने अपना फर्ज नहीं निभा पाया बेटी। मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। मैंने अभी तक शादी के बारे में नहीं सोचा पापा, जब होगा तब देखा जाएगा। पहले आप दीपा को अच्छी तरह से पढ़ाइए, एक अच्छे लड़के से उसकी शादी कराइए। मेरे किस्मत में शादी वादी नहीं है। दीदी हुँ? ये लीजिए, प्रसाद है। भवानी हाँ? अब मैं चलता हूँ। ठीक है पापा। चले बेटी, अपना ख्याल। ओके दीदी, बाय। चलता हूँ बेटा। हाँ बाय पापा। कौन है ये? नो एंट्री में जा रहा है? ये शिवराज शिवालिंगम है मैडम, पूरा इलाका इसके अंडर में है। यहाँ की गुंडागर्दी और आतंक का कारण यही है। कोई भी पार्टी सत्ता में आती है उसके साथ ही रहता है। उनके गाड़ियों को ब्लॉक करो। हाँ? ये क्या कह रही हो मैडम? जो बोला वही करो। कौन है ये? वो जो नहीं है सीपीआई है ना, वही है। ए, हमारी गाड़ी को क्यों ब्लॉक किया है? नो एंट्री से आ रहे हो, लाइसेंस है क्या? नहीं है। आरसी बुक है क्या? वो सब हम लोग नहीं रखते। अच्छा नहीं रखते? ए, क्या कर रही हो आप? अभी बता। गाड़ी की चाबी दो। चल, चल निकल, निकल वहाँ। ए, ये क्या कर रही हो मैडम? अच्छी बात नहीं है, भारी पड़ने वाला है। लाइसेंस नहीं, आरसी बुक, चोरी की गाड़ी। एसीपी, इधर आओ। भवानी, मैं कौन हूँ जानती हो? नहीं जानती। क्या शिवलिंगम साहब को नहीं जानती हो क्या? है? ये पूरा गांव साहब के हाथ में है, मालूम नहीं है क्या? मैडम, मुझे कहीं भी नो एंट्री नहीं है, सभी जगह एंट्री है। सॉरी सर, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस स्टेशन में आकर फाइन भरकर गाड़ी ले जाइए। क्यों भाई, कोर्ट जा रहे हो क्या? कमाना छोड़कर जा रहे हो? एसीपी है क्या? हाँ सर, अंदर। मेरे बारे में कुछ पूछ रहा था? नहीं नहीं, कुछ नहीं पूछा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है सर। ठीक है ठीक है, जा। जाता हूँ। मैं अपना काम करता हूँ भाई। बाप रे। बोल सर, मुझे जल्दी बोल सर, मैं कुछ नहीं। तू बोल। ए ए ए, चलता क्या? बोल ना। अरे बोल। नमस्ते मैडम, ये लीजिए। क्या है ये? पैसा है। साहब जी ने भेजा है। कौन हो तुम? क्या क्या, क्या? मैं आप मुझसे सवाल पूछ रही हो? मैं यहाँ का स्पेशल इंस्पेक्टर हूँ, पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ यहाँ। मेरा नाम काशीनाथ है। कौन है तुम्हारा साहब? आप साहब जी के बारे में नहीं जानती हैं क्या? आपको शिवलिंगम के बारे में किसी ने नहीं बताया? एक्चुअली आपको ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले उनसे मिलना चाहिए था। कोई बात नहीं, वो बुरा नहीं मानेंगे। मैडम, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको भी चाहिए ना तो हमसे कहिएगा, मैं काम करवा दूंगा। मुझे घर चाहिए था घर दिया, कार चाहिए था कार दी, मुझे इंस्पेक्टर उन्होंने बनाया, और मेरे बच्चे का फीस भी वही भरते। और आगे भी बता तो मैडम, ये जो शर्ट मैंने पहना उन्हीं के पैसे से। तेरी औरत को भी उसी ने मंगलसूत्र पहनाया था। करेक्ट करेक्ट। तू पुलिस है या दल्ला है? लड़की समझ कर पंगा मत लेना, काट डालू। गेट आउट। सॉरी मैडम। एक मिनट रुक। सीनियर पुलिस ऑफिसर के सामने आने के लिए यूनिफॉर्म में आना चाहिए, ये बेसिक रूल भी तू भूल गया है क्या? रूल्स को करेक्टली फॉलो करना चाहिए, अंडरस्टैंड? साहब जी, आपको नहीं जानती कह रही। काशीनाथ मैडम,
ग्लास से काटा गया उस राजाराम के केस का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मैडम, वो तो खुदकुशी है। वो खुदकुशी है या कत्ल वो तुम डिसाइड करोगे क्या? बहुत सारे केसेस तुमने कोर्ट में नहीं भेजे और खुद ही फैसला कर लिया कि तुम मांडोली करते हो क्या? नहीं मैडम, कोई गवाही देने के लिए आएंगे नहीं। उसे धमकी देकर भगा जो देते हो। मैडम मैं ये कहना जो जो भी केसेस पेंडिंग है वो सारी फाइल्स मेरे टेबल पर लेके आओ। ओके रुको रुको, लाइसेंस है? हाँ सर। रोड टैक्स भरा है? भरा हूँ सर। आरसी बुक है? वो भी है सर। पैसा है? हाँ है सर। ठीक है 200 रुपया लाओ। पैसा क्यों मांग रहे हो सर? मेरे पास तो सब कुछ है, मैं भी हेलमेट पहना हूँ, मेरी औरत के पास भी हेलमेट है, फिर पैसा किस बात का मांग रहे हो? ये तो मेरे सवाल पूछ रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन तेरा बच्चा हेलमेट नहीं पहना है। हेलमेट पहन लिया होता तो इसकी गिनती बच्चों में कहाँ होती। ये लो पकड़ो। थैंक्स सर। आपका नाम क्या है सर? इंसाफ, सबका इंसाफ करता हूँ। सर यो भाई, बाइक चलाना सीख रहे हो? नहीं सर, आपसे इंसानियत सीख रहा था। अपन कौन सर? इंसाफ, सबका इंसाफ करता हूँ। इस शहर में नई पोस्टिंग ज्वाइन करने के लिए हेड कांस्टेबल हूँ मैं। कांस्टेबल? लेकिन ड्रेस से तो कांस्टेबल हूँ तो ढीला ढीला पैंट पहनूं? ढीली ढीली शर्ट पहनकर मैं ढीला ढीला हो जाऊँ क्या? ये मेरे खुद के पैसे से सिलाया हुआ ड्रेस है सर। मैं तुमसे फैन जाले सर। फैन बनना जरूरी नहीं है, सोसाइटी के अंदर अच्छा मैन बनना जरूरी है। सर सर प्लीज आप बैठ जाइए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। मैं सर दूसरों के बाइक पे नहीं बैठता हूँ। सर प्लीज, एक ईमानदार कांस्टेबल अभी घून गलो तो मजा भाग्य उजड़े सर। प्लीज सर। ये बात है तो ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से चलाओगे ना? 100% सर। ओके ना। काय सर तुमचे मिशन चार्ली चापली तुमचा आवडता है का? नहीं, मुझे हिटलर बहुत पसंद है। पहले बाइक चलाओ। ये क्या है सर? माँ 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 की आवाज नीचे से आ रही है। नीचे से नहीं आ रही है, ऊपर से आ रही है। ऊपर से क्यों आ रही है? तुम की के स्टार्ट मार रहे हो या शूज में मार रहे हो? सॉरी सर। चलो जल्दी तुम। भाई एक शव यात्रा आ रही है, जरा बाइक को साइड में करो ना। शव यात्रा निकलने के बाद ही तभी हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं भाई। नहीं सर, ये मेरे सेलफोन का रिंगटोन है। रिंगटोन है सर? ये फैशन है। ये कैसा फैशन है? भांजा बोल रहा हूँ, एड्रेस बताओ। अच्छा तुम्हें एड्रेस चाहिए? नंबर 9 विवेकानंद स्ट्रीट चेन्नई 42। मुझे मालूम नहीं है। इस तरफ बाइक चलाते हुए सेलफोन पे बात करना रूल्स के खिलाफ है। बाइक को साइड में करो। उसके लिए टाइम नहीं सर, बहुत अर्जेंट है। मैंने कान पे फोन लगाया हुआ है। आप चुपचाप बैठिए सर। बाप रे। हाँ बोलो। भारत नगर आ गया हूँ। हाँ राइट राइट राइट, वहाँ से तुरंत लेफ्ट ले लो। लेफ्ट से आने का आ रहा हूँ। संभाल के संभाल के। हाँ तुम राइट टर्न ले लो। अरे भाई ले लिया। संभाल के भाई, यू टर्न ले लो। यू टर्न ले लिया। अरे भाई जरा संभाल के, बकरा बिरयानी हो जाएगी। लगता है ये नो एंट्री है भाई, नो एंट्री। वो जो रोड है ना वो घूमकर वहीं पर चली जाती है, इसलिए तुम एक काम करो, जहाँ से यू टर्न मारा है वहाँ से शॉर्टकट मारो। अरे भाई इस घर के अंदर तुम कहाँ जा रहे हो? शॉर्टकट? अरे शॉर्टकट? अरे तुम कौन हो? तुम आगे कैसे आ गई? छोड़ो मुझे, मैं ऑटो कूद रही थी। ऑटो कूद रही थी तू? रोड में ना बहुत बड़ा गड्ढा है, इसलिए तुम एक काम करो, थोड़ा सा लेफ्ट मार के दीवार से चिपक के चलो। ए भाई संभाल कर, मेरा शर्ट फट रहा है। बाइक को दीवार से चिपका के मत चला। अरे क्या कर रहा है? ए क्या कर रहा भाई? अरे संभाल के, वहाँ पीले रंग की एक लॉरी खड़ी रहेगी, उसके पास में ही मेरा घर है। क्या पीले रंग की लॉरी खड़ी रहेगी? ए ए लॉरी सामने से आ रही है। लॉरी दिखाई दी? अरे नहीं नहीं, लॉरी सामने से आ रही भाई। हाँ लॉरी आ रही है। अरे संभाल के, अरे संभाल के। बाप रे, अरे इतनी जल्दी एम्बुलेंस कैसे आ गया? अरे ये तो इंडिकेटर है, मैंने पहले ही कहा था 1 मिनट बाइक को रोक के सेल फोन पे बात कर ले, लेकिन वो सुना नहीं। अरे कहाँ गया ओ बाइक वाला, कहाँ गया? उधर है, उधर है। अरे अरे अरे, राइट टर्न, यू टर्न, लेफ्ट टर्न लिया था, लेकिन ये तो अबाउट टर्न होकर पड़ा है भाई। जीते जी आदमी को दूध नहीं मिलता है, इसको तो मरने के बाद मिला है। अरे अरे अरे, तेरे सेलफोन से तो तेरे मरने के बाद भी म्यूजिक बज रहा है। हेलो मैडम, एक खास खबर है। ओके कम ऑन मूव इन, कम ऑन मूव मूव गो, come on fast fast yaar chali gaya mere ghar ka dekh kya karega don't move humko chodo mil gaya inspector sir pandey ke kehne par hi hum log ladkiyan kidnap karte hain
किडनैप किए लड़कियों का क्या करोगे? मुंबई और कलकत्ता में भेज देते हैं हम लोग, और कुछ लड़कियों का रेप करके मार देते हैं। मारने के बाद डेड बॉडीज का क्या करते हो? कुछ लड़कियों को जला देते हैं और बाकी लड़कियों को बंगले के पीछे गाड़ देते हैं। इसमें किस किस का हाथ है? पता नहीं। ए, संभल के, केयरफुली। इस मर्डर के पीछे पुलिस का भी हाथ है ऐसा कहा जा रहा है, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं अभी कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। लेकिन इस मर्डर के पीछे कारण क्या है? क्या आपने मर्डर करने वालों को अरेस्ट कर लिया है? पांडे और उसके आदमियों ने ये सब काम किया है। उसके कुछ आदमी अरेस्ट हुए लेकिन पांडे भाग गया, लेकिन वो शहर को छोड़कर भाग नहीं सका। चेक पोस्ट में सिक्योरिटी टाइट है, बहुत जल्दी पांडे को भी अरेस्ट कर लेंगे। क्या इसमें कोई वीआईपी शामिल है? नहीं, नो कमेंट्स, नो मोर क्वेश्चन। मैडम, 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 तेज कर, खूब तेज कर। एक झटके में उसके मुंडी काट के धड़ अलग, मुंडी अलग फेंक देंगे। मुझसे टक्कर लेने आई है एसीपी, सुनो, मुझे गिरफ्तार करेगी, उसको काट के यहीं गाड़ देंगे। इसे काट के गाड़ दे। इसको लॉकअप में डाल दो, कल सुबह इसे कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। केयरफुल, शिवराज के बारे में सारे डिटेल्स कलेक्ट करो। सिटी में ज्यादातर ऑटो और लॉरीज के परमिट नहीं है, उनको सीज कर दो। शिवराज के सारे प्रॉपर्टीज को भी सर्च करो, सब वाइन शॉप्स को चेक करो, जहाँ प्रोस्टिट्यूशन चल रहा हो वहाँ रेड मारो। शिवराज कहाँ शराब बनाता है और किसे सप्लाई करता है वो जानकारी मुझे चाहिए। कोई भी प्रेशर हो तो मैं संभाल लूंगी। Okay. किसी से डरने की जरूरत नहीं। ठीक है मैडम, मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। आई एम रामकृष्णन, प्रेस रिपोर्टर। प्रेस? यहाँ प्रेस वालों का क्या काम है? यहाँ काम है इसलिए हम आए हैं। Shall I take my seat? Please. Thank you. गुंडागर्दी के बारे में एक सर्वे के लिए आया हूँ। एक लफंगा गुंडागर्दी कर सकता है, लेकिन पुलिस अगर गुंडागर्दी करे तो कैसे चलेगा? इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकती। बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। अधिकार आपके हाथ में आने से आप कुछ भी करेंगी क्या? पुलिस हो तो सारे अधिकार आपके हाथ में है क्या? इस लॉकअप में कितने अन्याय हो रहे हैं, कितने जुल्म हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इस बात को हम नहीं जानते हैं क्या? गुनहगार को मारने का अधिकार किसने दिया है? गुनहगार को आप सीधे कोर्ट में ले जाइए, वहां जज बैठे हुए इन सबका इंसाफ करने के लिए। आफ्टर ऑल आप एक औरत हो। औरत हूँ? हाँ। उठ रहे, उठ रहे। हर लोग औरत औरत कहते हैं, क्यों? औरत गलती सुधार नहीं सकती, वो मजबूर होती है क्या? जबान संभाल के बात करो। हाथ में पेन है, प्रिंट करने के लिए पेपर है, तो कुछ भी लिख दोगे क्या?
तो तुम्हें मारने के लिए लाठी और अंदर करने के लिए जेल है, माइंड इट। बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी मैडम, याद रखिए। प्रॉब्लम क्रिएट करना तुम्हारा काम है, जिससे तुम्हारा पेपर बिके। गेट आउट। हेलो भवानी, मैं मिनिस्टर रामचंद्र बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। तुमने जिसे अरेस्ट किया है वो पांडे। कौन पांडे सर? वो मेरी पार्टी का है, मेरी पहचान वाला है, कृपा करके आप उसे छोड़ दीजिए। मर्डर केस में मैंने उसे अरेस्ट किया है सर, उसे रिलीज नहीं कर सकती। क्या बोल रही हो, रिलीज नहीं कर सकती हो? मैं मिनिस्टर हूँ, जानती हो। सर अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो उसके पीछे कौन है कैसे पता चलेगा? तो क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? सॉरी सर, मैं नहीं छोड़ सकती। जीप में बिठा दो, 12 बजे के अंदर कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, बी केयरफुल। पांडे कोर्ट में नहीं पहुंचना चाहिए, अगर वो सच बता दिया तो हम फंस जाएंगे। उससे पहले उसको खत्म कर दो और हमारा नाम नहीं आना चाहिए। ओके डैडी। एसीपी भवानी भी साथ में रहेगी? उसको वहां से क्लियर करने का काम मेरा है, तुम जा सकते हो, जाओ। सब कुछ पक्का है ना? सब पक्का है, तुम चिंता मत करो। भवानी तो पांडे को लेकर कोर्ट की तरफ जा रही है, सिर्फ तुम एक मिनट के लिए क्लियर करके मुझे दे दो, बाकी मैं सब देख लूंगा। ओके ओके, जाओ, ऑल द बेस्ट, जाओ। हेलो लिंगम, शिवराज लिंगम, एसीपी, सारा एक्शन का रिएक्शन होगा, दिस इज साइंस। तुम पांडे को कोर्ट में प्रोड्यूस करोगी तो एक्शन, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी बहन को फिनिश कर दूंगा, रिएक्शन। हो सके तो उसे बचाओ, बाय। पापा। हाँ बेटी। दीपा कहाँ है? मार्केट गई है, कुछ काम था क्या? कुछ नहीं पापा। ठीक है, मैं खुद ही दीपा को फोन कर लूंगी। दीपा, दीपा, मेरे इंस्ट्रक्शंस के बिना पांडे को नीचे मत उतारना, केयरफुल रहना। ओके ओके मैडम। हेलो, क्या हुआ? भवानी बाहर गई है। भवानी आने से पहले खत्म कर दो, मिस नहीं होना चाहिए, समझ गए? ए, डोंट मूव। तेरे बाप को फोन लगा, फोन लगा। डैडी। क्या बेटा रंजीत? शिवराज, एसीपी भवानी बोल रही है। क्या एसीपी, बोल। तेरा लड़का मेरे पास है, अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो तेरा लड़का जिंदा नहीं बचेगा। नहीं 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 मैडम, प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करो, प्लीज। और मैं तेरी बहन को तुरंत उसको फोन करो, जल्दी फोन करो। हेलो, उस लड़की को कुछ मत करो। ठीक है साहब। वो साहब जी ने बोला है, उसे छोड़ दो तुम लोग। छोड़ 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 छोड़, साहब का बोला था, छोड़ दे छोड़ दे इनको, चल चल निकल, चल। क्या हुआ? चल निकलो। तेरी बहन को छोड़ दिया। शिवराज, सब एक्शन का रिएक्शन होता है, दिस इज साइंस। सर ये क्या कर रहे हैं? मैडम के परमिशन के बिना इसको बाहर नहीं ले सकते। मैडम क्या कर रहा? चल बाहर आ सर, मैडम आएगी तो मुसीबत हो जाएगी, इसको मत ले जाइए सर। चल ना, बात से बात, मेरी बात सुनिए सर। सर इसको मत ले जाइए सर। सर चल अंदर। सर सुनिए सर, मत लीजिए, मैडम बहुत गुस्सा करेंगे सर। सर मेरी बात सुनिए सर। मारो 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 मारो
अरे भागो भागो, अरे भागो, अरे तो मर रहा हो गया, अरे भागो। हेलो साहब जी, आप हो? एसीपी है क्या? हाँ सामने ही है। फोन दो साहब जी। हेलो एसीपी, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, फालतू पंगा मत लो। तुम पुलिस हो सकती हो लेकिन एक औरत हो, तुम मत भूलो। मैंने अपने जीवन में तुम्हारे जैसे हजारों को देखा है। वैसे सारे पुलिस वाले मेरे कंट्रोल में हैं और जो मैं कहता हूँ वही वो लोग करते हैं। पुलिस वालों को तूने बिकाऊ समझा है क्या शिवराज? हाँ पुलिस बिकाऊ है, करने की ताकत रखता हूँ। मेरी बात को मानना ही पड़ेगा और तुम्हें भी इसको फॉलो करना पड़ेगा, समझ गई? पुनः एक केला दो। लीजिए। कहाँ फेंकूं? इधर फेंकिए सर। कितने पैसे? 2 रुपए सर। ये लो। ठीक है ना? इसे क्या हो गया? शॉक लग गया सर। क्यों शॉक लगा? ठेले वाले को कोई पुलिस कभी पैसा देता है क्या? हम सुधारने के लिए सोच रहे हैं तो तुम लोग और नहीं सुधारने दोगे। ए, तुम यहाँ? अरे भाई तुम रो क्यों रहे हो? सर आप ठेले वाले को पैसे दे रहे थे, मुझे आपकी ये ईमानदारी बहुत पसंद आई, आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। यही बात उस दिन भी कहकर बाइक में बैठा कर मुझे ले जाकर गिरा दिया, अभी मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा। सर अभी सुधर गया हूँ, अभी सेलफोन यूज नहीं करता। ए, मैं तेरी वजह से सस्पेंड होकर आज ही ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। आज शनिवार का दिन है और बालाजी मंदिर से होकर मैं ड्यूटी पे जाऊंगा। सर यस, मैं भी बालाजी मंदिर ही जा रहा हूँ सर, आइए ना सर। क्यों रे शनि अकेले नहीं जाएगी, लोग ऐसा कहते इसलिए तो मुझे बुला रहे हो? नो नेवर। पाजी पे चढ़ने वाले कैदी को भी आखिरी इच्छा पूछते है कि क्या है, आप वो भी नहीं पूछेंगे सर। ए तुम्हारे प्यार ने मुझे उम्र कैद की सजा दे दिया, लेकिन एक बात, मैं आऊंगा। रनिंग पे सेलफोन पे बात मत करना। सर चलाते वक्त बात नहीं करूंगा सर। सीधे मंदिर जाना पड़ेगा। जरूर सर। अगर तुम दूसरी जगह गए ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? चलो अच्छी तरह पकड़ो सर। गणपति का मंदिर। अरे क्यों एक हाथ छोड़ दिया? गणपति को फ्लाइंग किस दे रहे हो? बाइक को खड़ी करके मंदिर में जाओ। स्टेशन जाने में देरी होगी, गणपति जी नाराज हो जाएंगे, प्रार्थना कर लो। हे भगवान। अरे अरे क्या हुआ? आरती जी का मंदिर है क्या? प्रार्थना करना भूल गया? तो क्या बाइक को घुमाएगा? नहीं सर खुद ही मुड़ूंगा। सामने देख कर बाइक चला यार। ए बाइक आगे देख कर चला भाई। ये मुझे सब कुछ दिख रहा है सर। अरे आगे यमराज भैंसे प्यार है, तुम आगे देख कर बाइक चलाओ भाई। अरे बाप रे। अरे 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 वहाँ मंदिर में भीड़ ज्यादा है, कैसे प्रार्थना करेंगे यार? सर, मंदिर में भीड़ है, कैसे प्रार्थना करूंगा? गोविंदा गोपाला गोविंदा। माँ जी पिताजी, बाइक चलाते वक्त भगवान की प्रार्थना नहीं करें तो क्या भगवान हम पर केस कर देंगे क्या? क्यों रे इस तरह से बाइक पे खड़े होकर चलाते वक्त भगवान को किस देना, सैल्यूट करना, टाटा करते हुए ये सब करके भगवान का इंसल्ट मत करना, पब्लिक और ट्रैफिक को डिस्टर्ब मत करना यार। ये रेड कलर ब्लड है क्या? नहीं भाई, एक्सीडेंट होने से पहले मैंने बन बटर जैम खाया था। बन बटर अंदर चला गया लेकिन जाम पिघल कर बाहर आ गया। अभी मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। कहाँ? हॉस्पिटल में। हाँ ड्रॉप करो। लेकिन 2 बेड बुक करने पड़ेंगे। 2 बेड किस लिए सर? एक मेरे लिए और दूसरा तुम्हारे लिए। मुझे तो चोट ही नहीं लगी है। अभी लगेगी। कैसे? ये लीजिए मैडम, जो आपने फाइल मांगी थी। एक्सक्यूज मी मैडम, पालम चौक में एक गुंडा है, उसका नाम है मुन्ना पांडे। मैं उसका टॉर्चर नहीं झेल पा रहा हूँ। कल वो ऑफिस में आकर हफ्ता मांग रहा था, नहीं दिया तो कंप्यूटर ले गया। आप एक्शन लीजिए मैडम। ये क्या मैडम, मैं बोलते जा रहा हूँ और आप कोई जवाब नहीं दे रही है। हेलो चिल्ला क्यों रहे हो? उसके ऊपर एक्शन लीजिए मैडम। नारायण जी मैडम, जल्दी से इनका कंप्लेन लिख लो और मुन्ना को लेकर आओ। आइए सर। चल जल्दी। मैडम नमस्ते मैडम। क्यों मुन्ना, इनके ऑफिस से कंप्यूटर उठाकर ले गए हो क्या? मैं कुछ नहीं जानता मैडम, मैं 2 दिन से बाहर था मैडम। सच कह रहे हो? हाँ मैडम,
भगवान की कसम मैं दो दिन से बाहर ही था मैडम। ठीक है मैं देखती हूँ। नारायण इन दोनों को बिरयानी खिला दो। ठीक है ले जाओ। धन्यवाद मैडम। क्या मैडम आपने उन दोनों को छोड़ दिया? आपके सामने तो उसने कहा कि वो कुछ नहीं जानता, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इस तरह से पूछोगी तो कैसे बोलेंगे? डंडा उठाओगी तो जवाब मिलेगा, और डंडा उठाने से ही सच्चाई का पता चलता है। कैसे कैसे कैसे? चार डंडे पड़ेंगे तो सारे सच। गलत है सर, गलत है। मानने से नहीं, सच तो अपने आप बोल देंगे। और इन सब के लिए तो जज है, कानून है, कोर्ट है, और ये सब हमें अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून का काम है, कानून को करना चाहिए। Am I right? समझे नहीं? कुछ देर पहले आप ही बोल रहे थे ना, मतलब आज आप बदल गए हैं तो आपका सोच भी बदल गया है ना? नहीं मैडम, इस तरह आतंक मचाने वाले को मानना जरूरी है। प्लीज मैडम मुझे माफ कर दीजिए। नारायण। यस मैडम। मुन्ना को लाओ। हाँ मैडम, खाने के बीच में क्यों बुलाया? सर सच बताओ, इनके ऑफिस से कंप्यूटर उठाया कि नहीं? मैं कितने बार बोलूं कंप्यूटर मैंने नहीं उठाया। सच सच बता, कंप्यूटर उठाया है कि नहीं? हाँ मैडम, मैंने कंप्यूटर उठाया। नारायण। मैडम इन दोनों को लेकर जाओ और इनका सारा सामान रिकवर करके लाओ। चलो। अब तो आप समझ गए होंगे ना, दुश्मनी निकालने के लिए हम लोग नहीं मारते, इट्स आवर ड्यूटी। आई एम सॉरी मैडम, मैं चलता हूँ। सुनिए। हाँ बहन जी। फर्स्ट ईयर बी कंप्यूटर का क्लासरूम कहाँ पर है? इस तरफ से नीचा जाइए, वहाँ दूसरा बिल्डिंग में है। थैंक यू। हाँ अरे देखना क्या आ रही है यार। रमेश। ओके भाई। डर्मा डर्मा आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा कहाँ भाग रही है? रुकना। अरे कहाँ जा रही है? क्या कर रहे हो तुम लोग? ये मेरा कॉलेज है, मुंह बंद कर चुपचाप यहाँ से निकाल। भैया देखो भैया, ये बहुत गलत है, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है का? ना लायक कही के। चलो भाई चलो। जाओ बेटी अंदर चली जाओ, जाओ बालों को सुखाओ। कपड़ा सब गीला हो गया है, उधर जाके सुखा लो, मैं बाहर खड़ा रहूंगा। तुम डरो मत, मेरे रहते कुछ नहीं होगा, ठीक है? थैंक यू सर। हाँ। क्या रे, वो अंदर है ना? हाँ अंदर है, चले जाओ। ये ले। बंदा करो भैया। रंजीत। बोलो रंजीत। मैंने एक लड़की का रेप किया है। क्या किया? रेप? क्या पार्टीज के? तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। ओके भाई। दीपा ये क्या हुआ बहन जी, ये कपड़े कैसे फटे? उसके लिए टेंशन मत लो। उस लड़की ने बोलो बोलो। वो
उस लड़की ने मेरा एक मिनट मेरा रेप किया। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। तुम जिसका तुमने रेप किया वो पुलिस स्टेशन में आई है। दो पैक पी के सो जाओ, मैं संभाल लूंगा, टेंशन मत ले। दीदी कोर्ट गई हुई है, तुम वहीं चल जाओ। जाओ जाओ। अरे उस लड़की ने क्या बोला? वो लड़की एसीपी मैडम के बारे में पूछ रही थी, मैंने बोला वो कोर्ट गई है, वो लड़की कोर्ट चली गई। रेप करके कत्ल किया ये सरासर गलत है। उस लड़की ने खुदकुशी की थी, ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर कह रहे हैं। इसलिए अदालत बाइज्जत बरी करती है। दीदी, दीदी, दीपा, दीपा, दीपा क्या हुआ? दीदी, क्या हुआ तुम्हें? दीपा पहले तो उठो, क्या हुआ बताओ? दीदी, क्या हुआ दीपा? कुछ बोलोगी भी क्या हुआ? डरो मत, बोलो बेटी, बोलो क्या हुआ? तुम कोर्ट में जज के सामने हो, किसी से डरने की बात नहीं, बोलो, बोलो। दीदी वो शिवराज के
मिस भवानी, रंजीत को रिलीज कर दो, 5 मिनट में बेल ऑर्डर मिल जाएगा। आप कौन? मैं क्रिमिनल लॉयर नरसिम्हा। मैं इसे नहीं छोड़ सकती, आप बेल पेपर लेकर पुलिस स्टेशन आइए, प्रोसीड्यूर्स वही करेंगे। hey, मैं सीनियर वकील हूँ, मेरी बात नहीं मानेगी, मैं कहता हूँ उसे रिलीज कर दे। नहीं छोड़ सकती, आप पुलिस स्टेशन भवानी, मुझे छोड़ दो, तुम मेरे पावर को नहीं जानती। मैं तुझे पावर दिखाती हूँ, तूने ड्यूटी में पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया, इसलिए मैं तुझे अरेस्ट करती हूँ। इसे हथकड़ी लगाओ। ए भवानी, मुझे हथकड़ी मत पहनाना, मुझे नहीं जानती तू। हथकड़ी लगाओ। दोनों को अंदर डाल दो। रंजीत रुक जा, हम लोग पैदल चलेंगे। ओके, तो चल कर आओ। चलो रे। क्या वकील नरसिम्हा को बीच सड़क पर पुलिस लेके जा रही है? क्या है आपकी ड्यूटी? आज इस शहर के लीडिंग लॉयर नरसिम्हा को हथकड़ी पहनाकर बेइज्जती करके बीच सड़क से ले जा रहे हो, यही ड्यूटी है? भागने वाले मुजरिम को हथकड़ी क्यों पहनाते हैं? ये कानून के रखवालों को बताने की जरूरत नहीं। एक मुजरिम चाहे आम आदमी या वकील हो, कानून सबके लिए एक है। ICP सेक्शन 353 के मुताबिक वो भी मुजरिम है। एक सीनियर लॉयर को अरेस्ट करके बीच सड़क पर घसीट कर ला रहे हो, हम लोग चुप नहीं रहेंगे, एक्शन जरूर लेंगे। बस कंडक्टर और पैसेंजर के बीच में झगड़ा हो तो बस को आग लगा देते हैं, ऑटो ड्राइवर अगर एक्सीडेंट कर दे तो ऑटो को तोड़ डालते हैं। सारे फैसले तो रोड पर ही होते हैं। तब क्या रोड पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता? तब क्या पब्लिक डिस्टर्ब नहीं होती? बोलिए, है किसी के पास जवाब? सबसे पहले आप उसके हथकड़ी खोलो और सबके सामने माफी मांगो। पहले कोर्ट का डिसीजन आने दीजिए, फिर मैं माफी मांगूंगी। कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ इसी वक्त फैसला चाहिए। पहले इनके हथकड़ी निकालो, नहीं तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। रोड पे चलकर आने का इनका खुद का डिसीजन था, मेरा नहीं। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, हम लोग सब साथ हैं, जब तक इसका फैसला नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। बैठ जाओ। Respected lawyers, you are respected to protect the law, not protest against the law. मैंने किसी लॉयर की बेइज्जती नहीं की, इस लॉयर ने मुजरिम का साथ दिया, इसके अगेंस्ट एक्शन लेने का हक है। मुझे मेरा काम करने दीजिए, नहीं तो मैं नहीं तो क्या कर लोगी? एसीपी भवानी, पुलिस का अत्याचार। एसीपी भवानी, पुलिस का अत्याचार। एसीपी भवानी, हेलो कंट्रोल रूम, एसीपी भवानी बोल रही हूं। योर ऑनर, अन्याय हो या अत्याचार हो, सबसे पहले पता चलता है पुलिस स्टेशन में। लेकिन इस दीपा के साथ जो अन्याय हुआ था वो बात उसने आकर सीधे कोर्ट में बताई थी। आप कानून को देखेंगे या आप इंसानियत को देखेंगे? अगर इज्जत लूटने वाले को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई तो बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बस यही बात मैं कोर्ट के सामने रखता हूँ माय लॉर्ड। मिस्टर रंजीत, क्या तुम इस बात को कबूल करते हो? सर जी, मैंने इस लड़की को इससे पहले कभी नहीं देखा। ये लड़की क्यों मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। रंजीत, ये कोर्ट है, ड्रामा मत करना।
सच को कबूल करो। इसने कोई गलती नहीं की तो आरोपी कैसे होगा? योर ऑनर, डीएनए टेस्ट के लिए डॉक्टर से पूछताछ करिए, सच का पता चल जाएगा। योर ऑनर, डीएनए टेस्ट से पता चला रेप और इससे कोई संबंध नहीं है। इसके मेडिकल सर्टिफिकेट को ऑलरेडी मैंने कोर्ट में सबमिट किया है। एक डॉक्टर होने के मुताबिक ऐसी गलती नहीं की जा सकती है। ये गलत कह रहा है जज साहब, रंजीत ने कुछ नहीं किया है। आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ आकर कहिए। जज साहब, ये रंजीत जुलाई 7 तारीख सुबह 11 बजे G3 पुलिस स्टेशन के सामने बस फेयर कम करने के लिए धरने में शामिल था। मैंने धरने को रोकने की कोशिश की तो रंजीत ने मेरे साथ झगड़ा किया, तब मैंने उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन जिस वक्त लड़की का रेप हुआ था उस वक्त रंजीत मेरे कस्टडी में लॉकअप में था। योर ऑनर, योर ऑनर, 11 बजे रंजीत अरेस्ट हुआ था, मैंने उसकी बेल ले ली थी। ये सम्मन्स के पेपर हैं जो कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये बात नहीं है जज साहब, सच्चा मुजरिम पुलिस के सामने सरेंडर हो चुका है और उसको कोर्ट में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। ओके, परमिशन ग्रांटेड। मनमौजी, मनमौजी, मनमौजी। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। बेटी, आपका नाम क्या है? मनमौजी। आप किस जुर्म के लिए सरेंडर हुए ये पता है? पता है, दीपा नाम के लड़की के रेप के गुनाह में। आपकी उम्र क्या है? 80 साल। क्या आप होश में इस गुनाह को कबूल करते हो? जी हाँ, खुद होश हवास में ये गुनाह किया। Stop this nonsense, your honor, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मिस भवानी, कंट्रोल योरसेल्फ। I'm sorry सर। जुलाई 7 तारीख को दीपा नाम की लड़की ने अपने रेप की कंप्लेंट आपके नाम से की थी, लेकिन उसी दिन उसी वक्त बस फेयर बढ़ने के अगेंस्ट में रंजीत ने धरना दिया था। जब इंस्पेक्टर काशीनाथ ने उसको मना किया तो उसने उसका हाथ तोड़ दिया। इस बात को रंजीत ने कबूल किया है, इसलिए एक ही दिन एक आदमी दो जगह नहीं जा सकता है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक रंजीत बेगुनाह है, ये रिपोर्ट में साबित हुआ है, और मनमौजी ने खुद अपने गुनाह का इकबाल जुर्म किया है पुलिस के सामने। इसलिए 15 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रख कर सच क्या है ये जानने के लिए पूछताछ की इजाजत देता हूँ। रंजीत ने एक पुलिस अधिकारी के बातों को दरकिनार करते हुए उसको पर हाथ उठाया, इसलिए रंजीत को 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। जुर्माना ना भरने पर 3 महीने की सजा हो सकती है। दे बंदूक दे मुझे सर, छोड़ूंगा सर, इसको मार दूंगा मैं। सर, मेरी गाड़ी छोड़ दीजिए। बंदूक दे मुझे, छोड़ूंगा नहीं, आओ तो मार दूंगा इसको मैं। छोड़ दीजिए, जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, मारूंगा इसे मैं। छोड़िए इसे, छोड़िए। बेटी, जिंदा रहने से अच्छा मर जाना है, छोड़ो मुझे। छोड़िए इसे, मैं कहती हूं, छोड़िए इसे, लेकर जाइए। ओके मैम। आप पागल हो गए हैं क्या? खुद को क्यों मारना चाहते हैं? नहीं नहीं भवानी, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रहा हूँ। तुम एक काम करो, उस गन से तुम मुझे मार डालो बेटी, तुम अपना फर्ज पूरा करो बेटी, मुझे मार दो, मुझे मार दो। पापा। नहीं तो क्या, मेरी बेटी की जिंदगी और इज्जत की कीमत से 500 रुपए खत्म होगी। कल कोई अगर रोड पे जाएगी तो कोई भी जेब से 500 रुपया निकाल कर इसके साथ सौदा करेगा। अब ये मुझे झेलने की ताकत नहीं है, नहीं है ताकत मुझ में। मैंने पुलिस की नौकरी क्यों ज्वाइन की पता है? 20 सड़क पर अगर कोई गलती हुई तो उसे रोकने और सुधारने की ताकत सिर्फ इस खाकी वर्दी में है। इसीलिए मैं मुजरिमों को सजा दिलाकर दीपा को न्याय जरूर दिलाऊंगी। आपकी बेटी होने का ये फर्ज मैं जरूर निभाऊंगी। देखा ना कोर्ट में केस का रंग कैसे बदल दिया मैंने। अरे यहाँ कैसे? रुको, बाइक रोको। ए, चलो उतर, सुना नहीं, जल्दी नीचे उतर। ए, किसको उतरने के लिए बोला? हाँ, क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों है? मारपीट का लफड़ा। कौन मारपीट कर रहा है? इधर आओ, अभी इधर होने वाला है। अरे क्यों मजाक कर रहे हो? तुम किससे बात करो मालूम है ना? मैं इंस्पेक्टर काशीनाथ हूँ। अरे थोड़ा। एक औरत हिम्मत करके एक बदमाश को रेप केस में अंदर डाल रही थी, तुमने पैसों के लालच में उसे छुड़वाने की कोशिश की। तुम कैसे इंस्पेक्टर हो? सिर्फ नाम ही तुम्हारा काशीनाथ है। अरे थो, इस तरह
पैसों के लालच में आकर शिवराज का नौकर बनकर रहने वाले का क्या करना चाहिए? ठीक है, पब्लिक की मदद नहीं करता है, शिवराज की मदद करने वाले को क्या करना चाहिए? मारो इसको। नॉनसेंस। एक आम आदमी इंस्पेक्टर को बीच सड़क पर मार रहा था, उसे अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, वो खुलेआम घूम रहा है, इसका क्या कारण है? इस इंसिडेंट के बाद भी अगर हम चुप रहे तो कोई भी पुलिस वाले को मारेगा। बाहर के लोगों के सपोर्ट से नहीं है सर, हमारे डिपार्टमेंट के लोगों के सपोर्ट से मारा था सर। What do you mean? आप क्यों गुस्सा हो रही हैं? अभी आके एक महीना नहीं हुआ, आप गुंडागर्दी करने लगी। आप जैसा पुलिस ऑफिसर नहीं देखा मैंने। You are crossing the limits. मैडम, मिस भवानी, what is this? हम लोग आपस में ऐसे लड़ेंगे तो गुंडों में और हम में क्या फर्क रहेगा? वो क्या है सर कि मैं इसके आगे कुछ भी नहीं सुनूंगा। 24 घंटों के अंदर अंदर सूर्या को किसी भी तरह अरेस्ट करो, दैट्स ऑल, यू कैन गो। ओके सर। मैडम, सूर्या आपके हाथ में मिले तो वार्न करके छोड़ दीजिएगा मैडम। नहीं, कोर्ट में ले जाएंगे। कोर्ट ले जाओगे तो सजा ज्यादा मिलेगी मैडम। सूर्या को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं? पर्सनली उसका और मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो सूर्या बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बड़ा दिल वाला है, इसलिए जो भी है उसने बड़ा क्राइम किया है। एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर उसने हाथ उठाया है, इसलिए कम से कम 7 साल की सजा तो होगी। आप उसको कैसे भी बचाइए मैडम, वो सूर्या ना पहले हमारे ही डिपार्टमेंट में काम करता था, अपना इंस्पेक्टर है ना काशीनाथ, पहले वो SI था। शिवराज के घर पे एक सोने की चेन चोरी हो गई थी, इसलिए उसके नौकर को पकड़कर पुलिस स्टेशन में पागलों की तरह मारा मैडम। ए, जल्दी बताओ वो चेन कहाँ है? मैंने चेन नहीं चुराई। जल्दी बोल, चेन कहाँ छुपा के रखा है? बोल, मैंने चेन नहीं चुराई। मैंने नहीं चुराई। मत मारो। जल्दी बोल। ये चैन मेरे घर में ही थी, मुझे अभी मिली है। ये बात है, चैन मिल गई ना? मिल गई, मिल गई। SI काशीनाथ, इसकी चैन मिल गई, बच्चे को छोड़ दे। चैन मिल गया? तू कमीने इंसान हो, इस मासूम लड़के को पीट पीट कर मार डाला, गायब हुई चेन मिल गई, लेकिन जो जान चली गई वो वापस मिलेगी? और तुम्हारे जैसे लोगों को बीच सड़क पर गोली मार देनी चाहिए? उस मारपीट के बाद काशीनाथ सूर्या से नफरत करने लगा। सूर्या के बच्ची की तबीयत खराब हो गई मैडम, उसके बाद भी डे एंड नाइट ड्यूटी देकर उसको बहुत टॉर्चर किया। सूर्या, तुझे काशीनाथ साहब ने जल्दी पुलिस स्टेशन में बुलाया है, जल्दी आना। बता, शराब का हफ्ता आ गया? हाँ आ गया। कितना रुपया? 3 लाख। ओह, 3 लाख रुपया आ गया। हाँ, ये तेरा घर नहीं पुलिस स्टेशन है जो मनमानी आते हो। ठीक है ठीक है, वो कैदी को लेके ना सलेम सेंट्रल जेल में छोड़ दो। ये सुनाई नहीं देता क्या? मैं तेरे को बोल रहा हूँ, जा जल्दी। सर, मेरी बच्ची मर गई है सर। क्या बोला? सर, मेरी बच्ची मर गई है। सुन, जब आदमी पैदा होता है तो एक नए दिन मरता ही है, चल जाके अपना काम कर। सर, मैंने लीव अप्लाई किया सर। नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी, काम कौन करेगा? यहाँ तो ऐसे भी लोग कम है, ये काम तुझे ही करना होगा, चल जा जा। सर, मेरी बच्ची का अंतिम संस्कार करना है, प्लीज। अंतिम संस्कार करना है? मैं म्युनिसिपैलिटी को इन्फॉर्म करता हूँ, वो लोग आके क्रियाक्रम कर देंगे, अब तू जा। किसने हाथ उठाया? ज़्यादा पढ़ के आया, चर्बी चढ़ गई तेरे को क्या? मैं कौन मालूम है तेरे को? कौन हूँ मैं? निकल, भाग इधर से। ए, मेरा कॉलर पकड़ता है, मेरा कॉलर। चल जा, चाय लेके आ, तू जल्दी से जा, जा। हाँ आ जाओ, ये साइन करो। ये लो, जाके दे दो। जाओ। सलाह दिमाग सर। ये चाय है, हैं? उसकी शक्ल की तरह? म्युनिसिपैलिटी वाले दफन नहीं करेंगे मेरे बच्चे को। सिर्फ तुझे
नहीं, नहीं। इस तरह उसे कातिल बनाकर इंस्पेक्टर ने उसे फंसा दिया मैडम। उसी दिन से खाकी वर्दी देखकर वो गुस्सा हो जाता है। उसको कैसे भी बचाइए मैडम, आप उसे किसी भी तरह बचाइए मैडम। किसी ने गलती की तो उसे अन्याय नहीं कहते, गलती की है तो सजा जरूर मिलेगी। सूर्या कहीं भी हो उसे अरेस्ट करो, इंस्पेक्टर को मारने का केस दर्ज करो। उसकी जरूरत नहीं है मैडम, मैं खुद ही सिलेंडर हो गया हूँ, मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बैठो बैठो। आइए सर, नमस्कार। सरवन एक गर्मा गर्म चाय बनाओ ना। साहब के लिए गर्मा गर्म चाय बनाओ। चलो चलो अस्पताल चलो। ऑटो ठीक नहीं है। ऑटो ठीक नहीं है, वो भी एक गर्भवती के लिए। देखिए भाई साहब, मेरी औरत के डिलीवरी का टाइम हो गया है, चलिए ना भाई साहब ऑटो से, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो उसे बोला ना ऑटो नहीं जाएगा। ए! सर तू गर्भवती के लिए मुफ्त में ले जाता है ना। हाँ सर। फिर क्यों नहीं जा रहा, ऑटो में पेट्रोल नहीं है क्या? पेट्रोल तो है सर, लेकिन ऑयल स्टॉक नहीं है सर। ऑयल स्टॉक नहीं है? हाँ सर। फिर तेरी समस्या ऑयल है सर। अभी आएगा ऑयल, आपके पेट का साइज बहुत छोटा है, जरूर लड़का होगा। जल्दी जल्दी ऑटो में बैठ जाओ, चलो। ए सरवन, जी सर। एक प्लेट भजिया लेकर जल्दी जल्दी ऑटो के पीछे आ जा तू। अभी आया सर। ओपन करो पेट्रोल टैंक, ओपन करो। कहाँ है भजिया, लाओ इधर। कितना एमएल ऑयल गया? 50 ml गया होगा सर। 50 ml? हाँ। अभी कितना एमएल गया होगा? अभी 100 ml गया होगा सर। तो कुल मिला के 100 हो गया, बस है ना? बस सर। अभी ऑटो स्टार्ट करो। ओके सर। क्या दिमाग लगाया सर। इस देश में किसने कहा कि ऑयल स्टॉक नहीं है? तमिलनाडु में चाय की दुकान से, वड़ा पाव की दुकान से, सब्जी की दुकान से तेल निकालूंगा तो पूरे हिंदुस्तान में तेल ही तेल हो जाएगा। और आप इतने सारे तेल को वड़ा पाव और भजिया में छुपा कर रखे हो। भजिया तेल को बजाज तेल में मैं जल्दी ही बदलने वाला हूँ। सर बच्चा हो गया सर। सर सर आपके कहने पर लड़का हुआ सर। अरे शौक रखो। लड़के को मैं आपका नाम दूंगी भैया, लेकिन अंग्रेजी में पढ़ाना। चलो चलो। ये क्या सर, किसी का लड़का हुआ और आपने अपना नाम दे दिया? बच्चे को तेरा नाम मेरा नाम रख सकते, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन बच्चे की शक्ल तेरी और मेरी तरह नहीं होनी चाहिए। अरे बाप रे बाप। अरे मेरा ऑटो का टायर निकल कर जा रहा है, अरे आग लगी है, अरे मैं क्या करूं? मेरे ऑटो को टायर, ऑटो में हमने तेल डाला था ना सर। अरे पापी तेरी वजह से मेरे ऑटो में ब्रेक नहीं लगा और एक्सीडेंट हो गया। क्यों भाई, भजिया का तेल डालने से ऑटो में ब्रेक नहीं लगता क्या? एक वड़ा खा कर तो देखिए। फिर तो मुझे भी ब्रेक नहीं लगेगा और दिन भर जुलाब होता रहेगा। गुड मॉर्निंग मैडम, बोलिए। आप इस कॉलेज के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं? हाँ मैडम। दीपा के रेप होने के समय कौन कौन से गार्ड ड्यूटी पर थे बता सकती हैं? श्योर मैडम। अच्छा ये मुर्गेश ड्यूटी पर क्यों नहीं आता बताइए? जिस दिन हादसा हुआ उस दिन वो ड्यूटी पर था मैडम, लेकिन उस दिन के बाद अभी तक नहीं आया। एनी रीजन? कुछ पता नहीं मैडम। रंजीत रेप केस का ये एक अहम आई विटनेस है, इस बार रंजीत मेरे हाथ से नहीं बचेगा। कल सुबह इस गवाह को कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, तब तक ये तुम्हारी कस्टडी में रहेगा। क्या सोच रहे हो, ये क्यों मैंने चोर के हाथों में चाबियां दी? लास्ट टाइम पांडे जैसा मर गया वैसा नहीं होना चाहिए, और अगर इसे कुछ हो गया सो इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाबी देने के बाद चोर का भी नाम दिया है। हेलो काशीनाथ बोल रहा हूँ साहब जी। वॉचमैन तो पुलिस स्टेशन में है ना? हाँ साहब जी बोलिए। एसीपी नहीं है ना? नहीं है साहब जी। मेरे आदमी वहाँ आएंगे, उसको उनके साथ भेज दो। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी कस्टडी में छोड़ के गई सर। ए, ज्यादा मत बोल। आ गए साहब जी ने भेजा है, वो वॉचमैन कहाँ है उसे जल्दी से भेजो। लो
इसको कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरा सर फटेगा। हाँ ठीक है तुम अपना काम करो, चल रहे चल। कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या करेंगे पता नहीं। हाँ? अब ये लोग कौन है? साहब जी ने भेजा है, वॉचमैन कहाँ है, जल्दी भेजो। क्या साहब जी भेजे हैं वॉचमैन को भेजो, वो क्या जुड़वा पैदा हुआ जो बार बार भेजू उसको। सुनो अभी भी कुछ लोग आके साहब जी का नाम लेके गए उसको। साहब जी ने हमें भेजा है। बाप रे, फिर कौन थे वो लोग? इसे लेकर चलो। नमस्ते मैडम। मिस भवानी, आपने इसको सजा दिलाई, मैं आपकी सिंसियरिटी को सलूट करता हूँ। आप इस केस को जरूर जीतेंगे। भवानी, मैं तुमसे लड़कर कभी जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए अपने लड़के की गलती को मानते हुए मैंने एक फैसला किया है कि तुम्हारी बहन से मैं अपने लड़के की शादी करवा दूं। यही डिसीजन है मेरा। आपके पापा ने केस वापस लिया, शादी का कार्ड भी छप गया है। सर, मैडम को शादी का कार्ड दिखा दीजिए। ये लीजिए सर। ये लीजिए मैडम। नमस्ते, आइए अंदर आइए। नमस्ते, धन्यवाद। पापा, हम इस केस को जीत नहीं पाएंगे, इसलिए आप शादी के लिए राजी हो गए। नहीं पापा, हम जरूर जीतेंगे। अरे आप लोग क्यों रुक गए, चालू रखो। इतनी गलतियों के बाद बगैर सबूत वो लोग बचते आए हैं और मैं उनको अरेस्ट करने के लिए लड़ रही हूँ। यकीन कीजिए पापा, वो रंजीत गुनेगार है, मैं प्रूफ कर दूंगी। रंजीत को अपने गलती का एहसास हो गया, इसलिए दीपा से शादी करने के लिए तैयार हो गया। अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, शादी को होने दो। खुद गुनेगार को सजा दिलाने वाले आप उनके साथ कैसे होगे? इस शादी के बाद दीपा उस घर में खुश रहेगी, इसका यकीन आपको है? इज्जत लुटी हुई लड़की है वो, मेरे घर में रहने से अच्छा है वो अपने पति के घर चली जाए, आगे उसका नसीब। पापा, मुझे भी अपनी इज्जत प्यारी है, लेकिन तेरा बाप हार कर भी अभी तक जिंदा है, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ। पापा प्लीज। चलो तुम्हारी बहन को आशीर्वाद दे दो। जीप की आवाज आई ना? पता नहीं, मैं भी देख के आता हूँ। अरे तू है, ये 361 में इधर ही क्यों आ रहा है? तू यहाँ क्या रेड कर रहा है? जा चल जा जा। चल जल्दी से निकल यहाँ से। क्यों, जल्दी क्या कर हुआ? अरे जल्दी कर ना, बाद में बताऊँ। चल जा इधर से। बताओ क्या प्रॉब्लम है? अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा। कौन सा आदमी बोलूँगा? जा अंदर। नमस्ते मैडम। ये घर तुम्हारा है? नहीं मैडम। घर में कौन कौन है? मैडम मैं अकेले रहता हूँ और कोई।
इस कमरे में क्या है? वेस्ट मटेरियल होगा अंदर मैडम। खोलो, देखना है। चाबी नहीं है मैडम। खुद खोलोगे या ताला तोड़ना पड़ेगा? खोलो। ये तुम्हारा घर है? हाँ। फिर ये इंस्पेक्टर हमेशा यहाँ आते हैं। इसको लेकर आओ। ए, छोड़ो, मेरे को क्यों बांध रहे हो? ए, छोड़ो, छोड़ो मेरे को। ए, क्या कर रहे हो? ए, ए, क्यों मैडम, आप मुझे कोर्ट ले जाने की बजाय यहाँ लाके टॉर्चर कर रही हो? रंजीत दीपा से शादी करने के लिए तैयार हो गया। शिवराज ने कोर्ट में मुझसे जो कहा वो गलत है। इसके पीछे कोई ना कोई प्लान है, और उस प्लान को जानने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। बोलो। मुझसे पूछोगी मैं क्या बता सकता हूँ? नहीं बताओगे? नहीं मैडम, मैडम नहीं। एक एसी भी इंस्पेक्टर को मारे तो ये हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। इसको कितना मारकर हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत बचा सकते हो, और इसे कितना मारे तो सच उगलवा सकते हो, उतना ही मारो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तो जान लो, तुम तो सच नहीं बताओगे, और इस केस को हारने से अच्छा मैं तुम्हें मार कर ही जीत जाऊँ। तुम इस केस में मुझे मार के बच जाओगी? क्यों नहीं बचूंगी? तुम मुझे शूट करने वाले थे तो सेल्फ डिफेंस में मैंने गोली चला दी, यही बात कह दूंगी? सूर्या के हाथ से तो तुम बच गए, लेकिन मुझसे नहीं। नहीं। अगर नहीं। खुद की जान प्यारी है तो बोल दो, बोल दो, बोल दो। बता दो। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, आपकी बहन दीपा को शादी मंडप की तरफ जब बाराती लेकर जाएंगे, उस समय गुलाब जल के बदले में पेट्रोल को दीपा के ऊपर डालेंगे। अरे अरे कुछ नहीं, वो गाड़ी का पेट्रोल है, इसमें लग गया है। बारात को शादी मंडप की तरफ जाने से पहले वो पटाखा फोड़कर दीपा को मारने का शिवलिंगम साहब ने प्लान बनाया है। मैडम गुस्सा हो रही हो ना? बहन के कत्ल करने वालों से बदला लेने के लिए मन तड़प रहा है ना? और भी सड़क पर दौड़ाकर मारने की सोच रही हो ना? इतना आसान नहीं होगा।
मैडम हमारे गन से गोली नहीं निकलेगी लेकिन उनके गन से गोली निकलेगी। यस हमारा फेंका हुआ बम नहीं फटेगा लेकिन उनका बम जरूर फटेगा क्योंकि हम पुलिस कानून सिर्फ हमारे लिए उनके लिए नहीं उनको खत्म करने के लिए सिर्फ पुलिस का दिमाग नहीं गुंडों की तरह सोचना होगा खाकी वर्दी की सीमा से और कानून से बाहर आना होगा। Will you stop it? Damn it! तकलीफ में दोस्तों का सहारा लेना चाहिए अपनी बात कह सकती हो। मैडम मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हें अरे रुक जा रुक जा कहाँ जा रही है। क्यों रे एक लड़की को बेरहमी से मार कर तू यहाँ मजा ले रहा है। रुक जा कौन है वो? सूर्या। सूर्या सुन मेरी बात मेरे बोलने तक डेड बॉडी को हॉस्पिटल से नहीं लेने का मैं उसे खत्म करने के बाद ही अपने लड़के का अंतिम संस्कार करूंगा। हाँ कहाँ है वो लॉकअप में है। सांड को घसीट कर ले कराओ। हाँ। जल्दी निकल यहाँ से।
मेरे बेटे को मारा है, मेरे बेटे को मार दिया तूने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी वैसे ही मारूंगा ना। Don't move. पुलिस स्टेशन में गुंडों के साथ घुसकर लॉकअप से कैदी को बाहर लाकर उसे मार रहे हो? Come on. क्या? क्या? तुम दोनों ने मिलकर मेरे बेटे को मारकर नाटक कर रहे हो? मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। एसीपी, मैं अपने लड़के को खोकर तड़प रहा हूँ और तू भी अपने रिश्तों को खोकर मेरे पास आकर हाथ जोड़कर जान बचाने के लिए रोएगी। मैं तुम्हें रुलाऊंगा, जरूर रुलाऊंगा। क्यों रे, मुझे डरा रहे हो? मैं धमकियों से नहीं डरती। ए, चुप हो जा। इस कमीने ने मेरे बेटे को मारा है और ये सारा शहर देख रहा था। ए, तो फिर गवाह लेकर आ जा, कोर्ट में मिलते हैं। कम ऑन मूव। मिस्टर सूर्या, आप रंजीत को बीच सड़क पर मार डाले थे, इस बात की तहकीकात हुई है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जज साहब, मैंने रंजीत को देखा ही नहीं, कौन है वो मैं जानता भी नहीं। जब मैंने उसको कभी देखा ही नहीं तो कत्ल कैसे कर सकता हूँ? ये झूठ बोल रहा है योर ऑनर। हजारों लोगों की आंखों के सामने इसने रंजीत को बीच सड़क पर मारा है। रंजीत का कातिल सूर्या है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरा मुवक्किल सूर्या ये किसी का खून नहीं कर सकता, क्योंकि जिस दिन रंजीत का खून हुआ उस दिन वो पुलिस कस्टडी के अंदर बंद था। इसका सबूत मैं कोर्ट में पेश कर सकता हूँ और इसलिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए। यस, यू कैन प्रोसीड। ये है सूर्या के अरेस्ट वारंट की कॉपी योर ऑनर। मिस भवानी, क्या आप इन्हें जानती हो? जानती हूँ। आपने इनको अरेस्ट किया था? जी हाँ। किस केस में अरेस्ट किया था? इंस्पेक्टर काशीनाथ हाथापाई केस में। आपने उसको आखिरी बार कब देखा था? कत्ल होने के पिछले दिन सुबह 10 बजे। उसके बाद वो किसके कस्टडी में था? नारायण के। नमस्ते सर। नमस्ते। जिस दिन कत्ल हुआ उस रात तुम कहाँ थे? पुलिस स्टेशन में नाइट ड्यूटी में था सर। और ये कहाँ था? ये भी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में मेरे कस्टडी में था सर। तो ये पुलिस स्टेशन से बाहर जाने का कोई चांस नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है, जाओ। ठीक है सर। जिस दिन कत्ल हुआ था उस दिन सूर्या पुलिस के कस्टडी में था। एसीपी भवानी और कांस्टेबल नारायण दोनों ने गवाही दी है। एक आदमी एक समय में दो अलग जगह कभी नहीं रह सकता, इसलिए मिस्टर सूर्या को अदालत बेगुनाह मानकर उसे बाइज्जत बरी करती है। वकील सर, एक मिनट रुकिए। अभी आपको पता चल गया ना, चाहे आदमी हो या औरत, पुलिस पुलिस होते हैं। जाकर अपने साहब को बताइए, इट्स जस्ट द बिगनिंग, खेल तो अभी बाकी है। क्या हुआ? हम केस हार गए, सूर्या छूट गया। तू, तुम्हें बोलने में शर्म नहीं आती है? वो उस कोर्ट में तो बच गया, लेकिन वो मेरे कोर्ट से कैसे बचकर निकल सकता है? उसको उठाओ और भवानी से संबंध रखने वाले सभी को काट काट के फेंक दो। वो चिल्लाएगी, रोएगी, ये सब मुझे सुनना है। जाओ। सबको काट कर फेंक दूंगा रास्कल। ए, तुम कौन हो? ए, ये क्या कर रही?
सर, गुंडे मेरे पीछे लगे, कृपा करके आप पुलिस स्टेशन छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज। चलो जल्दी बैठो। एक मिनट, गाड़ी रुको। इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? पीछे हमारी ये गाड़ी आ रही है, इसलिए उनका वेट कर रहा हूँ मैडम। ठीक है, आप चलिए। क्या हुआ? पता नहीं मैडम। ठीक है, आप इस गाड़ी को ठीक करवाइए, मैं उस गाड़ी से जाती हूँ। स्टार्ट नहीं हुआ तो मैकेनिक को फोन कीजिए। ठीक है मैडम। जाते जाते मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ दो। ओके जी, ठीक है मैडम। मैडम गाड़ी स्टार्ट हो गई मैडम। ओके श्रवण। मैडम पोस्टमार्टम की तैयारी कीजिए। ओके मैडम। हेलो मिस भवानी। यस सर। स्टूडेंट मोर्चे में गड़बड़ हो गई है, आप तुरंत स्पॉट पर पहुंचिए। श्रवण मैं भवानी बोल रही हूँ, ओवर। कॉलेज स्टूडेंट्स के मोर्चे में मारपीट शुरू हो गई है, मैं स्पॉट पर जा रही हूँ, तुरंत पुलिस फोर्स लेकर आ जाओ, ओवर। ए, पुलिस स्टेशन खाली करके कहाँ जा रहे हो? सर स्टूडेंट्स के मोर्चे में लफड़ा हो गया है, इसलिए एसीपी ने हम सबको बुलाया है सर। अरे लफड़ा है तो पहला आदमी मैं जा सकता था, स्टूडेंट के आगे पीछे का लफड़ा तो आम बात है। जाओ, जाके बैठ जाओ सब लोग। सर एसीपी का इंस्ट्रक्शन है सर। अरे एसीपी आएंगे तो मैं संभालूंगा, जाओ तुम लोग जाओ, मैं बोल रहा हूँ ना, ये तुमको अलग से बोलना पड़ेगा, जाओ जाओ। एसीपी आए तो ना। हेलो। हेलो वकील सर, एसीपी भवानी स्पॉट पे आ गई है। साहब जी भवानी स्पॉट में आ गई है। हमारे आदमियों से उसे खत्म करने को कहो। खत्म कर दो उसे। फोन को कट मत करो, स्पीकर चालू रखो।
उसकी चीख को मैं सुनना चाहता हूँ। फोन कट मत करना, चालू रखो। ओके। इंस्पेक्टर काशीनाथ बोल रहा हूँ मैडम। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, पुलिस फोर्स अभी तक नहीं आई। ओवर। मैडम सब लोग निकल गए, मैडम सब लोग ऑन द वे हैं। मैडम यहाँ कंट्रोल करना मुश्किल है, हालत खराब है, लोग अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? ओवर। मैडम मैं भी रेडी हूँ, मैडम ऑन द वे। पाऊंगी मौसी। पियो बेटी, बिना खाए खाली पेट कैसे रहोगी? नहीं पापा। सर मैडम जल्दी सही होकर ड्यूटी ज्वाइन कर लें, इसलिए मैं मंदिर जाकर प्रसाद लाया हूँ। थैंक्स श्रवण। इट्स ओके मैडम। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सर। सर। नो, कोई बात नहीं, लेटी रहो। कैसी हो तुम? आई एम फाइन सर। भवानी तुम एक सिंसियर पुलिस अफसर हो, तुम्हारी वजह से हमारे डिपार्टमेंट का और मेरा अच्छा नाम होगा ये मैंने सोचा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा भी होगा ये मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरा शरीर जख्मी है लेकिन दिल नहीं, मैं जल्दी ड्यूटी ज्वाइन करूंगी। सॉरी भवानी, मैं जो अभी बोलने जा रहा हूँ तुम्हें सुनकर तकलीफ होगी, लेकिन सच को छुपाया नहीं जा सकता। तुम अब पहले की तरह नहीं चल सकती हो, ऐसा डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया है। नो सर, मैं चल सकती हूँ, आई कैन वॉक, जस्ट गिव मी वन चांस। पापा बोलिए ना, प्लीज प्लीज सर, आई कैन वॉक सर, प्लीज सर, प्लीज सर। भवानी मैं तुम्हारी हालत देखकर चिंता कर सकता हूँ, लेकिन और कुछ भी नहीं। कांस्टेबल, तुम्हें टर्मिनेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है। सर, एक डॉक्टर के सर्टिफिकेट की वजह से मुझे टर्मिनेट करना बहुत बड़ा अन्याय है सर। मेडिकल बोर्ड में अप्लाई करने के लिए एक चांस तो दीजिए सर। सर प्लीज सर, पापा मुझे जाने दीजिए।
मुझे मेले का सीट मिला है ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे सामने खड़े होने वाले से ज्यादा वोट से मेरी जीत होनी चाहिए। और क्या है ना, उसका डिपॉजिट जब्त होना चाहिए। इसके लिए तुम सब लोग मेहनत करके मेरी जीत करवा दो। साहब जी जिंदाबाद, साहब जी जिंदाबाद, साहब जी जिंदाबाद। संभल कर बेटी, संभल कर। आराम से बैठो। ये कपड़े पहनकर ठीक है, थोड़ा आराम कर लो। अभी ज्यादा सोचो मत। ओके पापा, टेक रेस्ट। ओके पापा, डोंट वरी। चलो उससे रो मत बेटी, मैं जाकर उससे माफी मांग लेती हूँ। मुझे जीना है पापा, मैं मना नहीं चाहती। कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, आप कुछ कहिए नहीं से। मैं मना नहीं चाहती, आप है ना तेरे साथ बेटी। नहीं, मैं शिवराज से मिलना चाहती हूँ, उससे माफी मांग लूंगी। कुछ नहीं होगा बेटी, खुद को बचाने के लिए मैं उससे माफी मांग लूंगी पापा। मुझे हम सब लोग साथ में है ना, तुझे कुछ नहीं होगा। क्यों डर रही हो? मुझे जीना है पापा। मुझे मत रो बेटी, मत रो, मत रो बेटी, शांत हो जा। जैसा बोला वैसा करो, समझ गए? ठीक है साहब जी, ओके, वैसा कर देंगे। वो करेक्ट बोल रहा है, हम सब संभाल लेंगे साहब। कौन है ये? भवानी है साहब। वो यहाँ क्यों आई है? ए, किधर जा रही है? ए, उसको आने दो।
क्या बात है? अब आपसे अकेले में बात करना है। कोई बात नहीं, तो हमारे लोग हैं, बोलो। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। माफी? मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें माफ कर दूँ? ये कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। आपसे मुकाबला करने वाली भवानी तो नहीं रही, जान की भीख मांगने वाली एक साधारण लड़की हूँ। बस बस, तेरी वजह से मेरी इज्जत खाक में मिल गई, पता है ना? उस इमेज को मैं दोबारा ठीक कर सकती हूँ। आपने मेरी जान बख्शी। इस बात को अगर इलेक्शन कैंपेन में प्रचार करे तो सब कुछ दोबारा ठीक हो जाएगा। क्या बोली? तुम मेरे लिए प्रचार करोगी? सुन रहे हो? एक नई कहानी। साहब जी, ये सही बोल रही है। सारे पुलिस वालों का वोट आपको ही मिलेगा। ठीक है। तो मैं कैसे यकीन करूं? सर, आप यकीन कीजिए या ना कीजिए, मैं आपके लिए प्रचार करने के लिए तैयार हूं। चलती हूं सर। एक मिनट भवानी, अभी मैं यकीन करता हूं। इसके लिए सारा इंतजाम करके रख दो। पुलिस का दिमाग इतनी जल्दी नहीं बदलेगा। हमारे प्यारे वोटर्स, आपको शिवराज जी के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्ते। अच्छी तरह से तो जानते ही हैं, आज तक इन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, लेकिन पहली बार आपसे वोट मांगने के लिए हाथ जोड़कर खड़े हैं। इनके चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी छाप पर मोहर मारिए और इन्हें भारी मतों से जिताइए। ये गुंडागर्दी को मिटा देंगे, तभी औरतें हर तरह से सेफ रहेंगी। शराब का धंधा भी बंद करवा देंगे। क्या रे, ये मुझे सपोर्ट कर रही है या बर्बाद कर रही है? साहब जी, इस तरह झूठ बोलकर वोट लेना पड़ता है, और जीतने के बाद हम हमारी औकात दिखा देंगे। इनकी सेवा की यहाँ की जनता को जरूरत है, इसलिए इनको जिताना आपका फर्ज है। अगर ये हार गए तो आप लोगों का क्या हाल होगा, आप लोग खुद ही देख लेना। इसलिए मेरा ये कहना है कि बेफिक्र होकर इन्हें ही वोट दीजिए। आपका वोट हमारा वोट कुल्हाड़ी के लिए। मेरा नाम लिए तो सारा डिस्ट्रिक्ट डरेगा। इन लोगों से हाथ जोड़कर वोट मांगना पड़ेगा, ये मेरी किस्मत है। जीतने तक हम हाथ जोड़ेंगे और उसके बाद हाथ मारेंगे। पॉलिटिक्स का फॉर्मूला है ना ये? सही फॉर्मूला। चलो जिंदाबाद करो। जिंदाबाद हमारा उम्मीदवार, हमारा वोट। ए, तुम लोगों को क्या लगता है, सब लोग मुझे वोट देंगे? ऐसा क्यों बोल रहे हैं साहब जी? इन लोगों का इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अभी तक आपने इन लोगों का भलाई ही तो किया है साहब जी, इसलिए आपको ही वोट देंगे, क्योंकि ये लोग अच्छे आदमी को वोट देते ही नहीं है। शिवराज शिवलिंगम हमारा वोट। जय शिवलिंगम। जय शिवलिंगम हमारा वोट। हमारा वोट। शिवराज शिवलिंगम जिंदाबाद हमारा वोट। जिंदाबाद हमारा वोट। हमारा वोट। कुल्हाड़ी पर। औरत लोग मुझे बहुत इज्जत दे रही है। साहब जी, एक को 500 रुपया देकर ये सब किया था, तब जाकर ये लोग तैयार हुए हैं। बहन जी, कुल्हाड़ी छापे वोट दीजिएगा। हाँ नमस्ते मौसी, शिवराज जी को ही वोट दीजिएगा। रहने दो ये सब, देखो हम एक गुंडे को वोट नहीं देंगे। तुम्हें गुंडे के लिए वोट मांगने आई हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? जाओ यहाँ से। बढ़िया ही वोट मांगने वाली। चलो अंदर। शिवलिंगम साहब जिंदाबाद। शिवलिंगम साहब जिंदाबाद। मेरे बच्चे का भी नाम रख दीजिए। जिंदाबाद। ऐसा है क्या? कहाँ है बच्चा? यहाँ। ये है बच्चा, अभी तक नाम नहीं रखा। आप रखेंगे तो? ये बात है। कुल्हाड़ी नाम रख दो, इलेक्शन में काम आएगा। क्या साहब जी, अब नाम रखा है ना, पैसे भी देने पड़ेंगे। ऐसा है क्या? इसका नामकरण करने का फीस हम ले लेते हैं। पकड़ो। चलो। शिवलिंगम साहब जिंदाबाद। भवानी, तुम कहाँ जा रही हो? शिवराज एमएलए का सीट जीत गए, जीत का जश्न मना रहे, मैं वहीं जा रही हूँ। तुम्हारे बहन के साथ अन्याय हुआ था, ये सब तुम भूल गई क्या? जो मर गई उसके याद में रोने से अच्छा जिंदा रहने वालों को रोने से बचाना। आप शायद मेरी बातों को समझ ना पाए, लेकिन वक्त पर समझ जाएंगे। चलती हूँ पापा।
आज जीत का दिन है। शिवराज शिवलिंगम साहब एमएलए की सीट पर जीत कर आए हैं। ये जीत ये सिर्फ उनकी जीत नहीं है, ये सब आपकी जीत है। इस जीत की खुशी मनाने के लिए आए आप लोगों का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। अभी मैं शिवराज शिवलिंगम साहब की जीत के लिए मुख्य कारण हमारे पार्टी के महिला ग्रुप की मुख्य कार्यकर्ता जो हमारे दिल के करीब है मिस भवानी, उन्हें मैं दो शब्द कहने के लिए अनुरोध करता हूं। सब लोगों को नमस्कार। अभी मैं जो बोलने जा रही हूं उससे सबको आश्चर्य हो सकता है, कुछ लोगों को दुख भी होगा। हमारे शिवराज शिवलिंगम जी इतने बड़े पद पर कैसे आए ये तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। नेता बनने के लिए और उस पद को संभालने के लिए, पोजीशन को बचाए रखने के लिए सब लोगों को गलत काम तो करना ही पड़ता है, और आज के जमाने में गलत इंसान ही एमएलए बनता है। इससे हमारा देश इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर भी होता है। तो गलत इंसान ही आजकल सरकार चलाते हैं। वो मेरी तारीफ कर रही है, लोग ताली बजा रहे हैं, वो आपकी तारीफ कर रही है ना। अरे अरे अरे, तुझे नहीं पता है कि वो लोग तालियां क्यों बजा रहे हैं। पहले आप लोग ये सोचते थे कि शिवराज शिवलिंगम जी गलत आदमी है, लोगों का भला नहीं करेंगे, लेकिन आज इन्हें वोट देकर आप लोगों ने जिता दिया, इसलिए मैं आप लोगों के आभारी हूँ। इसी शिवराज के गुंडों ने मिलकर मुझे सड़क पर बहुत मारा था, लेकिन इसी शिवराज को जिताने के लिए मैंने प्रचार भी किया। ऐसा मैंने क्यों किया आप लोग यही सोच रहे हैं ना। उस दिन मुझे मारते वक्त आप लोग तो तमाशा देकर मजा ले रहे थे, लेकिन मैं तो ये जानती हूँ कि आप लोग गिरे हुए इंसान नहीं है, बिल्कुल नहीं, आप लोग बिल्कुल नहीं। शिवराज जी हमें जान से प्यारे हैं और हमें इन्हें खोना नहीं है। इनकी गलत हरकतों से लोग नफरत करते हैं और इसलिए इनके जान को खतरा भी हो सकता है। इनकी जान को बचाने का जिम्मा सरकार का फर्ज है। आने वाले दिनों में इतिहास बनाने वाले इस महान इंसान को आप लोगों के सामने कुछ देकर सम्मानित करना चाहती हूँ। पार्टी का सिंबल कुल्हाड़ी इनको गिफ्ट करना चाहती हूँ। परशुराम का कुल्हाड़ी है, फर्श के लिए खुद के माँ का कत्ल किया इस कुल्हाड़ी से। ये न्याय कुल्हाड़ी है और इसकी महिमा आप लोग सब जानते हैं। ये अन्याय के खिलाफ उठती है, अधर्म का नाश करती है, और आज ये कुल्हाड़ी आज एक और अधर्मी का नाश करेगी। देश को बर्बाद करने वाले देशद्रोहियों का हमेशा हमेशा के लिए सर्वनाश करेगी। यमराज बनकर Oh
आज तेरी मौत गुंडागर्दी करने वालों के लिए एक सबक होगा। हथकड़ी पहनाओ। भवानी जिंदाबाद, भवानी को अरेस्ट मत करो, भवानी जिंदाबाद, भवानी को अरेस्ट मत करो, भवानी। आप लोग फालतू का पंगा मत करो, हमें अपना काम करने दो। भवानी भवानी शांत हो जाइए, भवानी को शांत हो जाइए, भवानी शांत हो जाइए। आप लोग मुझे मत बचाइए, मैंने सबके सामने इनका खून किया है। अगर आप लोग कुछ करना ही चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर के डर को भगाइए। आंखों के सामने होने वाले अन्याय और अत्याचार का हिम्मत से सामना कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपके अंदर बहुत सारी भवानी पैदा होंगी। मैंने इस शिवराज को मारकर सबके साथ न्याय किया है, लेकिन कानून की नजर में गुनाह है, इसकी सजा मुझे जरूर मिलनी चाहिए। अगर आप लोग मेरी बात को समझ गए हैं तो मुझे सजा भुगतने दीजिए प्लीज।